हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता, और आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का दिल से थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और इसी तरह अपने प्यार को बनाए रखिएगा और मुझ तक पहुंचाते रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आज का टॉपिक है ईटिंग क्ले सैंड। इस तरह से देखिए, ये देखिए मिट्टी के बर्तन इस तरह से, एंड चौक एंड स्लेट पेंसिल एंड मुल्तानी मिट्टी। इसके अलावा भी बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, दीवार को लिक करने लगते हैं। दीवार को लिक भी नहीं करेंगे तो इस तरह से नेल से निकाल के खाने लगते हैं, पपड़ी निकालने लगते हैं, या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा तो इवन लिक करने लगते हैं अपनी टंग से, और नहीं मिलेगा तो अपने फ्लोर को लिक करने लगते हैं। ये इस तरह से करना, ये एक साइंटिफिकली एक बीमारी होती है, इसको पाइका बोला जाता है। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, इसको पाइका बोलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। तो आज इसी के लिए मैं आपके मिट्टी खाने की कॉजेस, ट्रीटमेंट और सिम्टम्स आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इन द लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए दो मेडिसिन आपके साथ शेयर करूंगी, और एक छोटा सा DIY जो दादी नानी के टाइम का होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है, जरूर इसको ट्राई करिएगा। अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना छोटा सा नुस्खा है, आपके बच्चों को मिट्टी खाने से छुटकारा दिलाएगा, बहुत हेल्प करेगा छोटे बच्चों के लिए। सबसे पहले इसके कारणों के बारे में आ जाते हैं। मोस्टली देखा जाता है कि मिट्टी जिसको मिलती है वो तो भर भर के खाता है, नहीं मिलता तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से बच्चे मिट्टी ढूंढ लेते हैं। तो इसके कारणों पर आते हैं। सबसे पहले होता है कि बच्चों या इवन बड़ी के लेडीज भी इसको खाती हैं, कि स्लेट पेंसिल मिट्टी के बर्तन छिप छिप कर खाते हैं। तो इसी के कारण क्या है, सबसे पहला कारण होता है हेल्दी डाइट नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि आपके डाइट के अंदर एक पोषण, पूरा पोषण जो आपकी बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए भी आप मिट्टी खाते हैं। दूसरा, आपके सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी में कैल्शियम, आयरन और सबसे इम्पोर्टेंट फोलिक एसिड की कमी होने के कारण आप इन सब चीजों को खाने लगते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को खाते हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा। ये तो हुए उसके कारण। और सिम्टम्स क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको लीवर जो होता है वो आपका डैमेज होने लगेगा, क्योंकि ये सब चीजें आप खाते हैं तो आपके शरीर में जाके ये डाइजेस्ट कभी भी नहीं होती है। इवन आप पानी में घोल के देखेंगे तो ये पानी में घुलती नहीं, नीचे बैठ जाती हैं। कई चीजें तो इनमें से ऐसी हैं कि वो पानी में घुलती भी नहीं है, तो इसीलिए आपके लीवर को डैमेज करता है। आप जो खाना खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आप सोचेंगे कि अगर आपका बच्चा इन सब चीजों को खा रहा है तो अपने फूड को किस तरह से वो डाइजेस्ट करेगा। एक हेल्दी फूड न मिलने की वजह से उसके अंदर शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है, आपके बच्चे के आंतों में रुकावट आ सकती है, और क्या कहते हैं, आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, पेट में कीड़े हो सकते हैं, किडनी में स्टोन्स जो होते हैं, पथरी जिसे बोलते हैं, वो हो सकती है। और हेल्दी फूड न मिलने की वजह से नॉर्मली ही आपके बच्चे में एनीमिया हो सकता है, खून की कमी आपके बच्चे को हो सकती है, ये सब समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है, अगर आपको इन सब चीजों की आदत है तो आप क्या करें, डॉक्टर के पास जाकर के अपना टेस्ट कराएं कि आपके अंदर किस चीज की कमी है। तो डॉक्टर के पास जाएं और मेडिसिन आप डॉक्टर आपको कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करिए तो डॉक्टर आपको मेडिसिन बताएंगे, उनको डेली लीजिए, क्योंकि ये एक बीमारी है, हैबिट बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को हैबिट के रूप में मत लीजिए, ये बीमारी है। तो इसको अगर आप इसको समय पर नहीं रोकेंगे तो ये बढ़ती चली जाएगी और आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मिट्टी जो होती है वो आपके शरीर में 70% पानी होता है उसको भी खत्म करती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है पानी को एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर खींचती है, तो आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा भी कम हो जाएगी। पानी की मात्रा भी अधिक ज्यादा से ज्यादा लें और एक अच्छा डाइट आप लें। तो इसीलिए आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो दवाई देते हैं आप डॉक्टर, उसको आप टाइम से टाइम ले रहे हैं। और कैल्शियम
की टैबलेट्स, कैल्शियम और आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड की टैबलेट्स जो आती हैं आप उनको भी ले सकते हैं। तो ये तो हुआ आज का टॉपिक कि आप किस तरह से इनको, इसके कारण एंड के सिम्टम्स एंड के ट्रीटमेंट मैंने बताया। तो छोट बात आती है टॉपिक जो मैंने आपको बताया, दो टैबलेट्स और एक छोटा सा डीएम। तो दवाई जो मैंने अपने बच्चों को भी दी थी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये दवाई मैंने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को दी है। आप इन दवाई को लेने से पहले या देने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फर्स्ट है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, कोई हार्मफुल नहीं है। मैंने अपने दोनों बच्चों को दिया, इवन हम तो घर में जितनी फैमिलीज हैं सभी इन सबको छोटे बच्चों को देते हैं। 6 महीने के बाद आप इस टैबलेट्स को बच्चों को देते हैं। पहला है BC21 होम्योपैथिक मेडिसिन है, एंड सेकेंड है कैल्केरिया फोर्स। फर्स्ट इज BC21 एंड सेकेंड इज कैल्केरिया फोर्स। अगर आप ये दोनों मेडिसिन अपने बच्चों को देंगे तो कभी भी आपका बच्चा मिट्टी नहीं खाएगा, आपके बच्चे के अंदर कैल्शियम और आयरन की कभी भी कमी नहीं होगी। और दूसरा DIY जो हम कहते हैं कि दादी नानी के टाइम का है, तो वो है जैसे हम पान के शॉप पर जाते हैं तो पान वाला क्या लगाता है, छोटा सा चूना व्हाइट कलर का लगाता है। तो उसको पान की दुकान से ला करके आप इतना सा गेहूं के दाने के बराबर या एक दाल का दाना जो होता है उतना, या एक चने के दाल के दाने के बराबर उसी क्वांटिटी में आप लेकर एक फिल्टर वाटर, एक कप फिल्टर वाटर ले और उसमें घोल कर अपने बच्चे को पिलाएं, तो आपके बच्चे के अंदर से कैल्शियम की कमी बिल्कुल दूर खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक ये काफी पुराना नुस्खा है, दादी नानी के टाइम का नुस्खा है, तो बहुत ही इफेक्टिव है और कोई खर्चा लगता है। छोटा सा पाउच वो देता है 5-10 रुपए का आपको आ जाएगा, और इससे कैल्शियम के, अगर आपको भी ये हैबिट है तो ये नुस्खा आप भी, लेडीज भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, तो कैल्शियम की कमी बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस पान के जो, पान की दुकान पे जो चूना मिलता है, किसी और दुकान पे मत चलेगा, पान जो खाने वाला चूना जो पान वाला लगाता है उस चूने को यूज करेगा और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये आप ट्राई करेगा, और अगर आपको इफेक्टिव लगे तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका मेडिसिन और DIY किस तरह से लगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना।